2023 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई है और आशा अनुरूप रोहित शर्मा को ही टीम की कप्तानी दी गई है। आज जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो थोड़ा हटकर है। आज मैं बातें करूंगा रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप के बीच जो लव एंड हेट का रिलेशन है उसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को और मैं हूं राकेश रंजन। जब टीम की घोषणा हो रही थी विश्व कप के लिए, तब रोहित शर्मा ने कहा कि जो खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं उनकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं उस दौर से निकल चुका हूं, गुजर चुका हूं। तो वो बातें कर रहे थे 2011 विश्व कप की टीम की, महेंद्र सिंह धोनी की वो चैंपियन टीम थी, और कहते हैं कि उस टीम में रोहित शर्मा आखिरी लम्हों में टीम से बाहर किए गए, क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चाहते थे कि रोहित शर्मा की जगह पीयूष चावला खेलें, क्योंकि उन्हें टीम में एक लेग स्पिनर चाहिए था। तो इस वजह से रोहित शर्मा को उस टीम में जगह नहीं मिली थी। तो 2011 में जिस धोनी की टीम में रोहित शर्मा को जगह नहीं मिली थी, अब रोहित शर्मा साल 2023 में वही महेंद्र सिंह धोनी बनने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारत को 12 सालों बाद विश्व कप चैंपियन बनाए। रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप के रिश्ते की बात अगर हम करें तो 2007 का जो विश्व कप हुआ था, जो डिजास्टर रहा था भारतीय टीम के लिए, उसके कुछ दिनों के बाद रोहित शर्मा की टीम इंडिया में एंट्री होती है। उसके बाद का विश्व कप 2011 का ही आया था और तब तक रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल में खुद को एस्टैब्लिश कर चुके थे। तो यह संभावना थी कि वो टीम में जगह बनाएंगे। तो विराट कोहली तो सफल हो गए थे उस टीम में जगह बनाने में, लेकिन रोहित शर्मा को, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, उस टीम में जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि धोनी चाहते थे कि टीम में एक लेग स्पिनर पीयूष चावला शामिल हो। लेकिन जिस धोनी ने 2011 में रोहित को ना कर दिया, उसी धोनी ने रोहित शर्मा की जिंदगी बदल दी 2013 में, जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्होंने रोहित शर्मा से पारी की शुरुआत कराई और उसके बाद से जो कुछ भी हुआ है रोहित शर्मा के करियर में वो इतिहास है। 2013 से उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग शुरू की और 2015 विश्व कप में वो भारतीय टीम में शामिल किए गए। उनकी और शिखर धवन की एक जोड़ी बन चुकी थी। साल 2015 में जो कि विश्व कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था और उसमें जो है रोहित शर्मा टीम में शामिल किए गए थे। 2015 विश्व कप की हम बात करें तो उसमें रोहित शर्मा ने 8 मैचों में 330 रन बनाए थे और उनका औसत 47 का था और स्ट्राइक रेट 91 का। आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शानदार सैकड़ा जड़ा था, 137 रन बनाए थे। उस विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई, बाद में ऑस्ट्रेलिया ही 2015 विश्व कप का चैंपियन बना। वहां से आगे बढ़ते हैं, 2019 के विश्व कप में आते हैं, तब तक रोहित का जलवा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और रोहित और शिखर धवन की जोड़ी पूरी दुनिया की बेस्ट ओपनिंग पेयर जोड़ी मानी जाने लगी थी। उस वक्त जो है रोहित शर्मा के लिए 2019 का विश्व कप किसी सपने सा था। लगातार उन्होंने रन बनाए, शतकों की झड़ी लगा दी, 5 शतक उन्होंने लगाए उस विश्व कप में
और बताऊं आपको कि उसमें सबसे ज्यादा रन विश्व कप में रोहित शर्मा ने ही बनाए, 648 रन उन्होंने बनाए। और उन्होंने जो है जो ओपनिंग मैच ही हुआ था भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें शतक जड़ा था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी 140 रनों की नायाब पारी खेली थी, मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली थी। सिर्फ सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो नहीं चल सके, एक रन बनाकर आउट हो गए, और उनके आउट होते ही टीम इंडिया भी वर्ल्ड कप से आउट हो गई। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित कर दिया। कप्तान विराट कोहली थे 2019 विश्व कप में, तो 2015 के विश्व कप में धोनी ने कप्तानी की थी। अब 2023 आया है, और जिस रोहित शर्मा को 2011 की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम में जगह नहीं मिली थी, उसी रोहित शर्मा के हाथों में टीम की कमान है, और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या रोहित शर्मा धोनी की भूमिका में नजर आएंगे? अपने आदर्श धोनी की तरह क्या वो भारतीय टीम को 2023 में चैंपियन बनाएंगे? 2023 का विश्व कप कई मायने में दिलचस्प है। देखिए, अगर हम 2011 वर्ल्ड कप से जोड़े इस 2023 विश्व कप को, तो इससे पहले आखिरी विश्व कप जो भारत में आयोजित किया गया 2011 में, इससे पहले वो आखिरी विश्व कप जिसमें की भारतीय टीम चैंपियन बनी वो 2011 का विश्व कप, और इससे पहले वो आखिरी विश्व कप जिसमें रोहित शर्मा विश्व कप की भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए थे वो साल 2011 था। अब 2023 में उसी रोहित शर्मा की जिम्मेदारी है, उनके हाथ में कमान है कि वो धोनी सा चातुर्य दिखाएं, धोनी से कैप्टन कूल बने, और भारतीय टीम को 12 वर्षों के बाद विश्व चैंपियन बनाए। हालांकि यह काम आसान नहीं है, 2011 की टीम और 2023 की टीम में कुछ फर्क है, लेकिन रोहित शर्मा अगर व्यक्तिगत रूप से इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने 2019 के विश्व कप में किया था, और टीम की कमान जो वो संभालते हैं, तो वहां कप्तानी में जो चातुर्य दिखाना है, जो चतुरता दिखानी है, और जिस तरह के फैसले लेने हैं, वहां अगर वो सही साबित होते हैं, जैसा धोनी ने किया था कि 2011 के फाइनल में युवराज सिंह की जगह वो खुद बल्लेबाजी के लिए आ गए थे, जब सबसे ज्यादा मैटर करता था तब उन्होंने रन बनाए थे, फाइनल में 91 नाबाद मैच विनिंग पारी थी। ऐसे अगर आप देखने जाएं तो धोनी जो 2011 का विश्व कप हुआ था उसमें टॉप स्कोरर्स में नहीं थे, भारत के लिए सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे, उसके बाद गौतम गंभीर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, विराट कोहली थे, तो सभी ने धोनी से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन जो है धोनी ने 8 मैचों में सिर्फ 241 रन बनाए थे, लेकिन जब सबसे ज्यादा मैटर करता था तब धोनी ने वो 91 रनों की फाइनल में मैच विनिंग पारी खेली। तो क्या रोहित शर्मा ऐसे नाजुक मौके पर, जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब प्रदर्शन मैटर करता हो, उस वक्त एक कप्तानी पारी खेलते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो भारतीय टीम 2011 की कहानी 2023 में भी दोहरा सकती है। रोहित शर्मा और पूरी भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।